नरेंद्र मोदी जी की सरकार के शानदार 9 वर्ष पूरे हुए हैं और सिद्धि विनायक जी के मंदिर में जहां हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं वहीं पर आभार भी प्रकट करने आए हैं, क्योंकि आशीर्वाद सबका रहा, गायक और भगवान का, वहीं पर दूसरी ओर जनता का। तो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ा है और पिछले कल भी जो मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट आई उसमें भी भारत के बारे में जो कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया है, 7.2% की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भारत में उम्मीद रखती है, दे हैव अ होप इन इंडिया एंड इंडियाज लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के 9 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के रहे हैं। जहां एक और गरीबों को 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाकर दिए, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए, 9.6 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिए, वहीं पर नल से जल पहुंचाने का काम 12 करोड़ घरों में किया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, जो सोचा ना था कांग्रेस के जमाने में, जो कभी सोचता भी नहीं था कांग्रेस के लोग, उनकी नीतियां भी नहीं थी और नीयत में भी खोट था, वो मोदी जी की सरकार में गरीबों की भलाई के लिए हुआ है। और इसके साथ साथ जो सड़कों के, रेलवे के, हवाई पट्टियों के पोर्टवेज या एयरपोर्ट हो या वाटरवेज हो, ये सब निर्माण कार्य रिकॉर्ड स्तर पर है, इसीलिए भारत की ग्रोथ रेट भी अच्छी है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी के साथ भारत बढ़ रहा है। और मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट में जो कहा है वो स्पष्ट दिखता है कि इस बार भी, इस साल भी भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। राहुल गांधी लगातार देश के बाहर जाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, किस तरीके से देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस, इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द मोस्ट वर्ल्ड मोस्ट लव्ड लीडर, और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही, जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है, पहले इंग्लैंड में अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। मुंबई से राज ठाकरे ने भी पंतप्रधान जी को एक पत्र लिखा है और समर्थन दिया है रेसलर्स को, क्या? मैं इतना ही कहूंगा, हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई, पुलिस से FIR करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने FIR भी की, सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए कहा, वो वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके पदाधिकारियों को काम नहीं करने देना चाहते थे, हमने वो भी किया कि रेसलिंग फेडरेशन काम नहीं करती है, उन्होंने कहा सब कमेटी बने, हमने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी IO ने बनाकर दे दी, अब ट्रायल्स भी IO की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है, तो जो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है, बहुत सारे लोगों के बयान होने थे वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए और जितने भी नेता इस पे अपनी बातें कह रहे हैं मैं उनसे इतना ही कहूंगा, ये देश का कानून सबके लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल, खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है। खेलों के लिए मोदी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ोतरी की, सुविधाओं की बढ़ोतरी की और जितना मान सम्मान मोदी जी ने खिलाड़ियों को दिया है वो देश से छिपा नहीं है और ये लगातार आगे भी है।
लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट की बात वो भी।